stationary rock explode breaking into three pieces, two pieces fly of perpendicular to one another, one piece of mass 1 kg, इसका velocity दिया है और दूसरा इतना, मतलब यहाँ पे कुछ m mass था, वो explode हुआ। अब इन्होंने बोला जो 1 kg है, 1 kg वो कितनी स्पीड से गया, ये 12 के स्पीड से गया, तो बताइए मोमेंटम कितना लेके गया, 1 × 12, 12 का मोमेंटम लेके गया। दूसरा पीस जो है वो कितनी स्पीड से गया, 2 kg, और स्पीड कितनी है 8 m/s, तो ये इधर 16 का लेके गया, 16 का। अब ये बताओ 12 और 16 नेट मोमेंटम कितना हो गया, 20 का हो गया, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो आप देखो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, बचा हुआ पार्ट, वो बोल रहा है कि m डैश पार्ट जो है वो कितनी स्पीड से गया, 40। अब बताओ LMC लगाएंगे तो जितना मोमेंटम इधर उतना मोमेंटम इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m डैश इंटू में 40 इज इक्वल्स टू 20 कर दीजिए, तो m डैश कितना आया, m डैश हाफ kg, सीधे आंसर आ जाएगा C, ठीक है।